आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे हम एक थ्री फेज सॉलिड स्टेट रिले को यूज करेंगे और हम प्रैक्टिकली वायरिंग भी जानेंगे कि कैसे हम एक सेंसर को वायर करेंगे एक थ्री फेज सॉलिड स्टेट रिले के साथ, जिससे हम एक सेंसर को यूज कर सकते हैं एक थ्री फेज लोड को ऑपरेट करने के लिए। एक थ्री फेज के साथ बेसिकली कॉन्टैक्टर या फिर रिले की तरह ही होता है, बस फर्क होता है हमारा वर्किंग का। कहने का मतलब ये है कि एक SSR में हमारे सॉलिड स्टेट डिवाइसेज यूज होते हैं, जैसे हमारा ट्रायक हो गया जब हम एक AC लोड को ऑपरेट करेंगे, और एक थ्री फेज की SSR में क्या होता है, हमारे तीन ट्रायक लगते हैं हर एक फेज को स्विच करने के लिए। एक थ्री फेज के SSR में हमारे कंट्रोलिंग सिग्नल भी होगा, जहां पे आप अपना इनपुट कंट्रोलिंग सिग्नल कनेक्ट करोगे, वो वहां पे एक सेंसर भी कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप एक स्विच को भी कनेक्ट कर सकते हो, जिससे आप जैसे कंट्रोलिंग सिग्नल दोगे SSR हमारी स्विच होती है और आगे जो हमारा थ्री फेज का लोड लगा हुआ है वो हमारा ऑपरेट हो जाता है। बट एक SSR की खास बात ये होती है कि SSR में हमारे कोई मूविंग कॉन्टैक्ट्स नहीं होते। जैसे हम ये बात जानते हैं, जब हम कॉन्टैक्टर्स या फिर रिलेज की बात करते हैं तो हमारे मूविंग मैकेनिकल कॉन्टैक्ट्स लगे होते हैं उसके अंदर, और उसकी वजह से काफ़ी सारी और भी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे हमारी आर्किंग की प्रॉब्लम हो गई, जैसे हमारे कॉन्टैक्ट बाउंस की प्रॉब्लम हो गई, या फिर हमारे जो मैकेनिकल मूवमेंट की वजह से जो नॉइस क्रिएट होता है वो भी एक प्रॉब्लम होती है। पर एक SSR के केस में ऐसी कोई प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती नहीं है, क्योंकि उसके अंदर सॉलिड स्टेट डिवाइसेस लगे हुए हैं। SSR के अंदर ना हमारे कोई हमारे कॉन्टैक्ट की मूवमेंट की हमें आवाज़ सुनाई देती है, ना हमारे कोई आर्किंग की प्रॉब्लम आती है जो यूजुअली हमारे इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड की वजह से आती है, और ना SSR में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है कॉन्टैक्ट बाउंस या फिर कॉन्टैक्ट नॉइस की प्रॉब्लम। इसलिए आप SSR को उन एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। और एक और खास बात जो आपको थ्री फेज SSR में जाननी ये है कि हम SSR को यूज़ करते हैं फास्ट स्विचिंग एप्लीकेशन में। होता क्या है, हमारे जो कॉन्टैक्टर्स और जो रिलेज होती है वो हमारे इतनी तेजी से स्विच नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो स्विच करने की कोशिश भी करेंगे तो हमारी जो कॉइल की वजह से जो कॉन्टैक्ट्स होंगे वो मैग्नेटाइज हो जाएंगे और कॉन्टैक्ट्स उतनी ज़्यादा स्विच ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब हम फास्ट स्विचिंग एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पे एक SSR का यूज़ करते हैं। अगर आपका लोड वहाँ पे थ्री फेज का है तो आप एक थ्री फेज के SSR वहाँ पे यूज़ करोगे, और SSR में मेजरली हमारी लाइफ ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू कॉन्टैक्टर्स और रिले, क्योंकि हमारे जो कॉन्टैक्टर्स और जो रिले होती है उनके अंदर हमारे काफ़ी सारे मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, चाहे हमारा स्प्रिंग क्यों ना हो गया, तो हो सकता है उनकी कोई एक फिक्स लाइफ होती है, कुछ टाइम के बाद हमारे ढंग से वर्क नहीं करते। बट जो हमारे SSRs होती है उनके हमारी जो लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे नॉर्मल इलेक्ट्रो मैकेनिकल रिले के। आज जो मेरे पास थ्री फेज सॉलिड स्टेट रिले है वो डॉल्फिन डिवाइस कंपनी की है, जो दिल्ली में एक मैन्युफैक्चरर है जो सेंसर्स और सॉलिड स्टेट रिले मैन्युफैक्चर करते हैं। और ये जो SSR है ये हमारी 16 एम्पीयर के SSR है, और इसमें जो इनपुट सप्लाई जो हमारा कंट्रोलिंग सिग्नल होएगा उसकी वोल्टेज रेंज आपकी 4 वोल्ट DC से लेकर 32 वोल्ट DC तक होती है, जिसका मतलब ये होता है अगर आप 12 वोल्ट DC दोगे या फिर 24 वोल्ट DC दोगे तो भी आपकी SSR ऑपरेट हो जाएगी। इसमें जो वोल्टेज रेंज जो आप कंट्रोल कर सकते हो, जो आपका लोड कनेक्टेड होएगा उसकी जो वोल्टेज रेंज है वो आपको 24 वोल्ट AC से लेकर 480 वोल्ट AC तक आप कंट्रोल कर सकते हो। इस SSR में आप यहाँ पे 6 टर्मिनल दे सकते हो, 3 टर्मिनल यहाँ पे हमारे इनकमिंग सप्लाई के हैं और 3 टर्मिनल हमारे आउटगोइंग सप्लाई के हैं। आउटगोइंग सप्लाई पे आप अपने लोड को कनेक्ट करोगे जो आपका थ्री फेज का लोड होगा, और इनकमिंग पॉइंट पे आप RYB अपनी सप्लाई को कनेक्ट करोगे। आज मैं इनपुट साइड पे एक फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर कनेक्ट करूंगा जो एक PNP NO टाइप का सेंसर है, और आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप उसको यूज करोगे एज अ कंट्रोलिंग सिग्नल एक थ्री फेज लोड को ऑपरेट करने के लिए। अब एक बार वायरिंग डायग्राम को समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक थ्री फेज पावर सप्लाई को लिया हुआ है, RYB आप देख सकते हैं, और यहाँ पे जो थ्री फेज की SSR मैंने यहाँ पे ली हुई है। अब क्या करता हूँ मैं R और Y और B को मैं इनपुट साइड पे कनेक्ट कर देता हूँ SSR के, ये आप देख सकते हैं, और जो आउटपुट साइड है उसको मैं लोड के साथ कनेक्ट कर देता हूँ जो मेरा एक बैलेंस थ्री फेज लोड है। वो मेरा एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, और याद रखना है मेरा बैलेंस्ड थ्री फेज लोड है यहाँ पे। और जो उसका इनपुट साइड होता है थ्री फेज SSR के इनपुट साइड पे मैंने सेंसर को कनेक्ट किया हुआ है, और वो कैसे किया हुआ है, एक सेंसर में हमारी 3 वायर होती है, ये हमारा एक फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर है। इसमें जो ब्राउन वायर है उसको हमने डायरेक्टली पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, और जो ब्लू वायर है उसको डायरेक्टली नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया, और जो सेंसर की ब्लैक वायर है उसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है जो हमारे SSR के इनपुट साइड पे है।
इनपुट साइड पर भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव देखने को मिल जाएंगे, और जो SSR का नेगेटिव है उसको डायरेक्टली नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया। इस सेंसर के ऑपरेटिंग सप्लाई 10 वोल्ट DC से लेके 35 वोल्ट DC तक होती है। तो जो मैंने अभी DC सप्लाई यहाँ पे ली हुई है वो मैंने 24 वोल्ट DC की सप्लाई ली हुई है। अब जैसे ही टारगेट आएगा सेंसर के सामने SSR ऑपरेट हो जाएगी और हमारे जो इनपुट साइड से जो कनेक्शन आ रहे हैं वो हमारे आउटपुट साइड के कनेक्शन की तरफ आ जाएंगे, जिससे मेरा लोड ऑपरेट हो जाएगा। ये कनेक्शन तो हो गए थे हमारे थ्री फेज सिस्टम के लिए, बट अभी जो मैंने सिस्टम अपने छोटे से गैराज में लगाया हुआ है वो एक लाइव और न्यूट्रल का है, क्योंकि घरों में यही सप्लाई आती है 220 वोल्ट AC की। तो मैंने अभी यहाँ पे क्या किया हुआ है, लाइव वायर को एक एक लाइव वायर मैंने कनेक्ट किया हुआ है इनपुट साइड पे, और मैंने तीन लोड लगाए हुए यहाँ पे, मेरे तीन बल्ब लगे हुए हैं जो आपको मैं प्रैक्टिकल बेसिस पे दिखाऊंगा कि मैंने ऐसे कनेक्शन किए हुए हैं। लोड के जो दूसरा एंड है उसको हमने डायरेक्टली न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट कर दिया, और हर एक लोड का एक एंड को हमने आउटपुट टर्मिनल के साथ कनेक्ट किए, जो हमारी SSR के तीन अलग अलग आउटपुट टर्मिनल्स थे। अब सेंसर के कनेक्शन वैसे हैं जैसे हमने पहले किए थे, ब्राउन वायर को पॉजिटिव, ब्लू वायर को नेगेटिव और ब्लैक वायर को SSR के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किए, जो SSR का इनपुट टर्मिनल है, और नेगेटिव टर्मिनल को SSR के डायरेक्टली इनपुट साइड से हमने कनेक्ट कर दिए। इस तरह से हमने कनेक्शन किए एक सेंसर, एक थ्री फेज SSR और तीन AC लोड के लिए। और अभी मैंने यहाँ पे कनेक्शन किए हुए हैं कि मैंने लाइव वायर के एक एक टर्मिनल्स को डायरेक्टली SSR के इनपुट साइड पे कनेक्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे मेरा एक फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर है जिसकी ब्लैक वायर को मैंने SSR के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, जो SSR का इनपुट साइड था, और जो SSR का नेगेटिव टर्मिनल है उसको डायरेक्टली नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और जो हमारी जो SMPS होती है उसका जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको हम डायरेक्टली सेंसर के ब्राउन और ब्लू वायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और अब जैसे ही सेंसर के सामने टारगेट आता है मेरा SSR ऑपरेट होता है और उसके थ्रू मेरा लोड भी ऑपरेट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने तीन अलग अलग लोड लगाए हुए हैं, पर एक्चुअल में आपका यहाँ पे थ्री फेज का लोड लगाएगा और वो ऑपरेट हो जाएगा जैसे ही सेंसर के सामने कोई भी टारगेट आता है। देखा जाए तो ये आपने कोई भी थ्री फेज लोड को यहाँ पे ऑटोमेटिक बना दोगे अगर आप सेंसर को यहाँ पे यूज करोगे। एक SSR को सिलेक्ट करने के लिए बस आप सिर्फ इतना समझो कि SSR की जो हमारी करंट रेटिंग होती है, जैसे मेरे पास आज 16 एम्पीयर की SSR है, उसकी रेटिंग हमारी ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू जो लोड हमारा करंट ड्रॉ करता है। या आप अगर 20% का मार्जिन भी रखोगे तो भी सही है, क्योंकि जो हमारे इंडक्टिव लोड होते हैं वो स्टार्टिंग में हाई करंट पे ऑपरेट करते हैं, इसलिए SSR 16 एम्पीयर की लो जब आपका लोड 10 या 12 एम्पीयर पे ऑपरेट करता है। और जब मैं आपके इंडक्टिव लोड के बारे में बात करता हूँ तो आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए इंडक्टिव लोड के बारे में, जो आपकी मोटर्स हो गई कि वो कितने वोल्टेज रेंज पे ऑपरेट करती है, क्या उनका FLA है, और ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब आप एक SSR को सिलेक्ट करोगे। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, अगर आपका लोड 3 या 4 एम्पीयर से ज़्यादा हो जाता है तो आपको हीट सिंक का भी यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू दी डिज़ायर्ड रेटिंग। यानी का मतलब ये, इस SSR के पीछे आपको एक हीट सिंक माउंट करने का भी ऑप्शन मिलता है, क्योंकि क्या होता है हमारी जो SSR होती है उसके अक्रॉस भी अगर आप देखोगे इनपुट और आउटपुट साइड में कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है, जिसकी वजह से हमारी पावर हमें डिसिपेट करनी ज़रूरी होती है, नहीं तो क्या होगा कुछ टाइम के बाद हमारी SSR हीट होती जाएगी, जिसकी वजह से हमारी SSR की लाइफ कम हो जाएगी और कुछ टाइम के बाद हमारी SSR वर्क नहीं करेगी। इसलिए आपको एक हीट सिंक भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, वो आपके लोड पर डिपेंड करता है कि आपका लोड कितना ज़्यादा करंट कंज्यूम कर रहा है, और फिर उसी के हिसाब से आपको हीट सिंक आपको उसी रेटिंग के हिसाब से मिल जाएगी। इस SSR की इंडस्ट्री में बहुत सारी एप्लीकेशन है। इस SSR को हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर कंट्रोल के एप्लीकेशन में, जहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं अपने हीटर को ऑपरेट करने के लिए। टेम्परेचर कंट्रोलर यहाँ पे कंट्रोलिंग सिग्नल देगा इस SSR को, और फिर उसी के हिसाब से टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अपने हीटर को ऑपरेट करेगा। तो इस SSR को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। इस SSR को आप फॉरवर्ड रिवर्स एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर को ऑपरेट करने के लिए। और कोई भी आपका जहाँ पे थ्री फेज लोड आपको रिक्वायरमेंट है और आप चाहते हैं आपकी फास्ट स्विचिंग एप्लीकेशन यहाँ पे, वहाँ पे एक थ्री फेज सॉलिड स्टेट रिले को आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए सिंगल फेज SSR और एक AC लोड के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, जहाँ पे एक मैं DC to AC SSR यूज़ कर रहा हूँ सिंगल फेज SSR के लिए, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन को उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको थ्री फेज SSR के बारे में समझाया था। अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो आप इसके कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो, जिससे आप लोगों की बस हेल्प हो सके मेरे चैनल के थ्रू। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।